आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की महामारी के संकट से गुजर रही है और इस संकट के दुष्परिणामों के बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इस दौरान रेप और हत्या जैसे अपराधों में काफी कमी आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि कुछ लोगों के अंदर बैठा असुर अब सुर जैसा व्यवहार करने लगा है। हमारा आज का ये केस इंसान के अंदर बैठे सुर और असुर के द्वंद का प्रतीक है। ये वही द्वंद है जिसमें कभी इंसान पर भलाई तो कभी उस पर बुराई हावी हो जाती है। लेकिन जब इंसान के अंदर की बुराई उस पर हावी होती है तो एक कोहराम समझ जाता है। और इस केस में ऐसी ऐसी वारदातें सामने आई जिसमें क्रूरता की हद थी। क्राइम सीन का मंजर विचलित कर देने वाला था और अपराधों का मकसद बेहद घिनौना था। कला, आरती, खुशबू, ये दौड़ एक दूसरे को हराने का परीक्षा नहीं है, तुम तीनों की एकता का परीक्षा है, समझ रहे हो? इसीलिए तीनों को एक ही रस्सी बांधा है मैंने। आप तीनों को 30 सेकंड में उस झंडे तक पहुंचना है, 30 सेकंड में। तो तालमेल मजबूत होना है, सिर्फ पैरों से नहीं दौड़ना है, दिमाग से दौड़ना चाहिए। तो तैयार हो? हाँ माँ। खुशबू? हाँ। वन्ना? रेंडा? बस सफाई नहीं देना है। एक तार टूटी तो पता है क्या होता है? सजा। एक तार तोड़ी तो सजा तीनों को बांटनी पड़ेगी। सजा हमें एक साथ सहनी होगी रिधिमा, भूलना होगा कि हम कभी साथ थे। अब भी यही सच है रिधिमा। प्लीज फोन मत काटो, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है आपकी, लेकिन लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती कि मेरी वजह से ये बदनामी हो। रिधिमा, किससे बात कर रही है बेटा? तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया रिधिमा। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में कि इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ? सॉरी अब्बा, लेकिन नहीं, अब जो आने वाले हैं वो आके ही रहेंगे और अब सिर्फ वही होगा जो मैंने तय किया है। Thank you.
जब कलेजा काटती है तब पता चलता है भूख क्या होती है ना? ये देखो, इसमें जो मुर्गा है ना, ये मेरे खाने का स्वाद बढ़ाएगा। ये लो, ये जो तुम्हारा शिकार है ये इसमें कैद है, पर काटना तुमको पड़ेगा। जो सबसे पहले शिकार करेगा उसको गोश्त और चावल मिलेगा, समझे? जिसको खाना खाना है उसको काटना है। देखती हूँ किसके भूख में कितना आग है। साहब अंकल मेरे, मैं इधर आया तो दरवाजा खुला था साहब, मैं अंदर आके देखा तो बाहर चलिए, आइए बाहर आइए बाहर आइए। तो आप भी यहाँ अपने चाचा के साथ ही रहते थे? नहीं साहब, अरे अंकल मेरे दूर के रिश्तेदार, मैं तो पास ही गांव में रहता हूँ। अंकल से मिलने आया था, यहाँ आके देखा तो कभी लाइट ऑन करो सर, लाइट ऑन नहीं हो रही है। बाहर जाके चेक करो कि बाकी के घरों में भी लाइट नहीं है, फिर यहीं पे नहीं। ये तीनों मर्डर बहुत ही ब्रूटल है सर। ये औरत और लड़की की हालत बता रही है, उनके साथ रेप भी किया गया। ये 200 से ज्यादा लोगों का काम लगता है, और बॉडीज को देख के ऐसा लग रहा है कि मारने से पहले इनको काफी टॉर्चर भी किया गया है। सर बाहर तो लाइट है, लेकिन यहाँ का मेन स्विच किसी ने बंद किया था, इसलिए पावर सप्लाई नहीं है। मेन स्विच बोर्ड घर के बाहर है, और घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे अटैकर्स ने पर्पसली पहले मेन स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ होने के बाद घर वालों में से किसी ने घर का मेन दरवाजा खोला होगा, और तभी अटैकर्स ने उनसे धावा। सर शायद उनका इरादा सिर्फ रेप और मर्डर का ही नहीं था, घर में काफी लूटपाट भी की गई है। पूरा कबर्ड खाली कर दिया सर, इनफैक्ट घर के किसी भी मेंबर का मोबाइल फोन भी नहीं मिला। अटैकर्स घर का हर छोटे से छोटा कीमती सामान चुरा कर ले गए। हो सकता है सर ये किसी लूटपाट करने वाले गैंग का काम। अगर मकसद सिर्फ लूट होता तो फिर मारने से पहले पूरी फैमिली को इतना टॉर्चर क्यों किया गया? बॉडीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मनी निकाली गई है सबके साथ। हो सकता है आपसी रंजिश का मामला, और शक्ल लूट के दी गई। सर नारायण अंकल बहुत अच्छे आदमी थे, मैं इतने सालों से इधर काम करता, मेरे को नहीं लगता कि उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी होगा। क्या काम करते हो तुम इधर? खेती बाड़ी सर। वो नारायण अंकल का आसपास बहुत जमीन है, अब उनका एक पैर खराब था तो उन्होंने अपनी मदद के लिए मेरे को नौकरी पर रख लिया था। नारायण की बीवी या बेटी का किसी के साथ कोई इशू, या नारायण का ही कोई लेन देन को लेकर विवाद? नहीं सर, मेरे को तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ वो वेंकट अन्ना आज इधर आने वाले थे। कौन वेंकट अन्ना? वेंकट अन्ना नारायण अंकल के फ्रेंड, मंडी में अनाज के बड़े व्यापारी हैं, और अंकल भी अपना सारा फसल उन्हीं को बेचते हैं। नारायण ये तेरा बैलेंस पेमेंट 7,09,234 रुपये पूरे हैं या? ओ तेरे को काउंट करके देखना पड़ेगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू। नारायण बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है,
जो तेरे को बोलने का था। कैसी बात? वेंकट अन्ना अपने बेटे बाला की शादी रिधिमा से करना चाहते थे, तो वो लोग आज इधर बात पक्का करने को आने वाले थे, और अंकल ने भी मेरे को इसीलिए यहाँ बुलाया था। आया तो सर, आसपास ऐसा कोई वेटरेस नहीं मिला जिसने किसी को यहाँ आते जाते देखा। वो सिद्धेश बोल रहा है कि नारायण के दोस्त वेंकट अन्ना और उनका बेटा बाला यहाँ आने वाले थे, उनसे मिलते हैं, शायद उनसे नारायण के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। खुशबू, बहुत लग गया, ये ले रसम पी ले, कल से भूखी है तू। नहीं, ये खून है, मैं नहीं पीऊंगी। खुशबू, ये खून नहीं है, रसम है। रोना बंद करो, मजबूत होने का, पी लो। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, खड़े होके क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो। इतना जल्दी मुंबई वापस क्यों जाने का? अप्पा, मेरा मुंबई वापस जाना पहले से ही तय था, और वैसे भी जिस मकसद से मुझे आपने बुलाया था वो मकसद तो होने से रहा, तो लेट मी गो। हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे मन में हमारे बेटे बाला की शादी नारायण की बेटी के साथ करने का था, इसी के लिए हम कल जाने वाले थे उसके पास, तो अचानक से उसका फोन आया। हाँ नारायण, हम लोग निकल गया है। तुम लोग अभी मत आओ। नहीं है? क्यों? मैं कॉल करता हूँ। क्या वजह थी कि नारायण ने अचानक से आपको मना कर? नहीं, वजह तो कुछ नहीं बताया हमको, तो हम लोग भी एकदम हैरान रह गए। ये इत्तेफाक भी काफी हैरान करने वाला है कि जिस समय आप वहाँ जाने वाले थे उसी दरमियान नारायण उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। देखिए वेंकटेश जी, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो बेहतर है। कुछ नहीं छुपा रहे हम, नारायण की जाने का हमको भी शौक लगा है। नारायण हमारा बहुत पुराना दोस्त था। कब से जानते थे आप दोनों एक दूसरे? ये कुछ 15 साल हो गया, तभी नारायण CRPF में काम करता था, ऊटी में उसका पोस्टिंग था। सो मिस्टर वेंकट, आप और आपके परिवार को हमारे प्लांटेशन पे कैंपिंग के लिए टेंट लगाने की परमिशन चाहिए। हमारा बेटा है ना, बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट है उसको, तो बॉटनी का उसको पढ़ाई करने का टेंट में रहे। मिस्टर वेंकट, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दे सकता। प्लीज सर, आई देखिए, तो कोशिश करो ना। अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर वेंकट, आप और आपके परिवार को हम यहाँ पर परमिशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अब से आप और आपका पूरा परिवार हमारा मेहमान है। मेहमान मतलब? हम समझा नहीं। देखिए, आप कंकड़ गाँव से हैं जी, और मैं आपके नजदीक के दालसन गाँव से हूँ, तो हुए ना आप हमारे मेहमान। अच्छा। तो उसके बाद हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर कुछ साल के बाद नारायण का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसको CRPF छोड़ना पड़ा, उसका टांग खराब हो गया। इसको काफी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, फिर तो आपका बेटा बाला भी जानता होगा रिद्धिमा को। बाला, ये रिश्ता जुड़ने से पहले भी तुम और रिद्धिमा मिलते थे? देखिए सर, हम दोनों एक दूसरे को जानते जरूर थे, लेकिन हमारी शादी का डिसीजन हमारे पेरेंट्स का था। सर, इवन आई एम शॉक्ड, ये अचानक क्या हो गया? सर, फोरेंसिक टीम ने बताया कि क्राइम सीन पे 4 से ज्यादा अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले। मतलब क्रिमिनल 4 से ज्यादा लोग थे। हो सकता है नारायण फैमिली की सुपारी दी गई हो। पॉसिबल है सर, क्योंकि नारायण उस कस्बे का बड़ा जमींदार था, और पूछताछ में यही पता चला कि सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे, किसी भी प्रकार के विवाद का कोई हिंट नहीं मिला, और वेंकट से उसके व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे ही थे। और बेटी का रिश्ता पक्का होने से पहले ये कांड हो गया, वजह जरूर कोई बड़ी रही होगी।
कपिल, नारायण के सीआरपीएफ के कलीग से भी मिलो, शायद उनसे नारायण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सर एक मिनट कपिल, ये नारायण फैमिली के फोटोग्राफ्स में कुत्ता भी दिख रहा है, देखने में काफ़ी फ्रेंडली लग रहा है, शायद पालतू होगा। लेकिन सर क्राइम सीन पे हमें ऐसा कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया। हाँ मतलब उस वक्त तो नहीं मिला। सर नारायण, रिधिमा और उसकी माँ सुनैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से कन्फर्म हो गया है कि रिधिमा और सुनैना का गैंग रेप हुआ है। और सर रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह भी है कि मर्डर से कुछ ही दिन पहले रिधिमा ने अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन? जी हाँ सर। इसका मतलब रिधिमा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर किसके साथ? अफेयर का तो अभी तक कोई क्लू नहीं मिला सर, लेकिन मर्डर से तकरीबन 30 मिनट पहले रिधिमा के फोन से किसी ने उमा नाम की एक औरत को कॉल किया। ये उमा कोई और नहीं, नारायण के भतीजे सिद्धेश की बीवी है। सिद्धेश की बीवी? जी हाँ सर। और पता चला है कि उमा भी नारायण के यहाँ काम करती थी। उमा भी नारायण के घर में काम करती थी और उस टाइम पर नारायण के घर पर मेहमान आने वाले, इस लिहाज से तो उमा को नारायण के घर पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमें मिला सिर्फ सिद्धेश। और सिद्धेश ने भी अपनी बीवी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ये लो बेटा, कुछ खा लेना। भिखारी नहीं हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम चुप क्यों हो बेटा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? सर उमा तो मार्केट गई है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उस फोन लगा और जल्दी आने के लिए बोले। हाँ हाँ फोन लगा। अरे उमा, वो साहब पूछ रहे हैं, वो उधर उस दिन तुम्हारी रिधिमा से फोन पे कुछ बातचीत हुई थी क्या? किस दिन? उसी दिन जिस दिन रिधिमा उसके माँ बाप का मर्डर हुआ था। रिधिमा आप क्यों फोन कर रही हो मुझे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज फोन मत काटो, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है आपकी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती कि मेरी वजह से ये बदनामी। चुप क्यों हो गई? उस दिन क्या बात हुई थी रिधिमा के साथ तुम्हारी? साहब ऐसी ही बात हो गई थी, रिधिमा का रिश्ता तय होने वाला था, वो मेरे साथ अपनी खुशी बांट रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो इस शादी से खुश थी, जबकि रिधिमा शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी। क्या ये क्या कह रहे हो साहब आप? वही जो हमारे सामने आया, रिधिमा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना अबॉर्शन करवाया, इसके साथ अफेयर चल रहा था रिधिमा का। साहब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये नारायण जी की फैमिली के साथ जो कुत्ता है किसका है? ये तो शेरू है सर, नारायण अंकल का पालतू कुत्ता, लेकिन ये तो खो गया था। कितने दिन पहले खो गया था कुत्ता? ये कुछ 7-8 दिन पहले का बात है सर। नारायण की फैमिली का मर्डर 3 दिन पहले हुआ, और मर्डर होने से कोई 1 हफ्ता पहले उनका कुत्ता शेरू गायब हुआ है। शेरू काफ़ी अच्छी नस्ल का है, रोबिला है। अगर वारदात के वक्त पर यह होता तो वारदात को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता। तो आपको लग रहा है सर शेरू का गायब होना भी इन हत्याओं से जुड़ी साजिश हो सकती है? और हमें यह भी पता लगाना है कि रिधिमा के पेट में किसका बच्चा है। रिधिमा के सभी सोशल अकाउंट खंगालो और आसपास के मैटरनिटी क्लिनिक्स में पता करो कि उसने अबॉर्शन कहां पर करवाया। क्या बात है मंजू, अचानक फोन करके क्यों बुलाया? सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज है बताओ ना। हाँ तो ये देखो, ये है खुशबू, आज से हमारी बेटी। खुशबू की माँ एक रेप विक्टिम थी, लेकिन अब वो किस साल में थी, कहां थी, इस बात से खुशबू भी अनजान थी। लेकिन क्या वो दंपत्ति
जो खुशबू को अपनी बेटी मान रहा था, क्या वो सच था या फिर वाकई इसके पीछे भी कोई साजिश थी? और वो औरत कौन थी जो खुशबू और बाकी बच्चियों का एक कठोर इम्तिहान ले रही थी? वहीं दूसरी तरफ नारायण का परिवार बेहद ही क्रूर हत्याओं का शिकार था, लेकिन इन हत्याओं के एक हफ्ता पहले नारायण के पालतू कुत्ते शेरू के गायब होने का क्या इस सब से कोई ताल्लुक था? पुलिस उस केस में कई थ्योरीज बना रही थी। रिधिमा के अफेयर के एंगल के साथ साथ नारायण और उसकी बीवी से जुड़ी छोटी से छोटी बात पता की जा रही थी। सर, सुनैना के कॉलेज से एक पेट क्लिनिक का नंबर मिला है, जहाँ सुनैना अक्सर शेरू को लेकर जाती थी। वहाँ की वेट सुनैना की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने बताया कि जब एक बार उमा नारायण के घर से जा रही थी तो शेरू ने उसका थैला झपट लिया था। थैले में एक सोने का हार था सर, जिसे उमा चुरा कर ले जा रही थी, और इसी वजह से नारायण ने उसे काम से निकाल दिया था। जबकि उमा हमें अपने काम पे ना जाने की वजह तबीयत खराब होना बता रही थी। इस लिहाज से तो शेरू के गायब होने के पीछे उमा का हाथ भी हो सकता है। हाँ कपिल बोलो। सर, रिद्धिमा ने जिस मैटरनिटी क्लिनिक में एबॉर्शन करवाया था उसका पता चला है। मैं यहीं पे हूँ, और उसका भी पता चला है जिसने उसको एबॉर्शन करवाने में मदद की। वाला सुन, तेरे को जिधर जाने का उधर जा, तेरे को जितना कोशिश करने का कर, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तेरी कोशिशों में तू सफल हो जाए। चंद्रेश, गाड़ी निकल, मुझे फ्लाइट मिस नहीं करना। तो रिद्धिमा का अबॉर्शन करवाने में तुमने उसकी मदद की? हाँ सर, लेकिन रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा था वो मैं नहीं जानती सर। रिद्धिमा तो ये भी नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट थी। वो तो उस दिन क्या हुआ रिद्धिमा? जब मुझे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट तो उसने मुझे कुछ भी बताने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि मैं बच्चा गिरवाने में उसकी मदद करूं। ये बात तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी साहब, अगर आप मुझे गलत समझ लेते तो। उमा, तुम्हें गलत समझने की और भी वजह है हमारे पास। चोरी का इल्जाम लगा था तुम पर। साहब ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। वो हार तो खुद रिद्धिमा ने मुझे दिया था। ये लीजिए। नहीं नहीं रिद्धिमा, मैं ये नहीं ले सकती। दीदी, आपने मेरी इतनी मदद की है, प्लीज मना मत कीजिए, लीजिए ना। और प्लीज किसी को बताना मत। रिद्धिमा को दिया वादा पूरा करने के लिए मैं बदनाम हो गई साहब। शेरू ने मेरी थैली पर झपट्टा मारा और वो हार मेरी थैली में देखकर सुनैना चाची को लगा। हाँ, हम लोगों ने तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, पर तुम मेरे घर में चोरी की? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने रिद्धिमा के लिए जिल्लत से, क्योंकि उनके परिवार के हम पर बहुत एहसान है साहब। तो इसी जिल्लत का बदला लेने के लिए तुम्हें एक कांड करवाया। तुम्हारा पति भी शामिल था ना इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिद्धिमा के पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा था? नहीं नहीं साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो बच्चा तो क्या, रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा था? उमा, मैं हूँ। क्या? अरे तुम्हारी बेटी ना बहुत डरती है मुझसे। अरे ये तुमसे नहीं डरती है, ये अपने बुरे सपनों से डरती है ना बेटा। पेमेंट का क्या हो गया? मैं बाद में फोन करता हूँ। आप लोग फिर से क्या बात है? वो तो आपका ड्राइवर और आपका भांजा चंद्रेश ही बताएगा। लेके चलो इसे, चल। सर, मैं सच कह रहा, मैं रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था सर। प्यार करता था या फंसा रहा था रिद्धिमा को उसके बाप के पैसे के लिए? नहीं सर, मैंने उसे नहीं फंसाया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं तो फिर भी अपनी हाथ में रहकर उसे मन ही मन चाहता था। पहला कदम तो उसी ने मेरी तरफ बढ़ाया था।
देख लो अच्छे से। जी हाँ देख लो अच्छे से, सी अच्छी लग रही है ना। अब तक चोरी चोरी मुझे ठीक से देख नहीं पाए होगे, है ना? नहीं वो मैं मुझे सॉरी। अरे मजाक कर रही हूँ। वैसे मैं मार्केट जा रही हूँ तो ले चलोगे? उसके बाद हम अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे हम दोनों बहुत करीब हो गए। तो रिद्धिमा के पेट में तेरा बच्चा था? हाँ सर, हम दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन वेंकट मामा ने अपने बेटे बाला की शादी रिद्धिमा से तय कर दी थी। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी इसलिए मैंने रिद्धिमा को कहा था वो मुझे भूल जाए। ये सजा हमें एक साथ सहनी होगी रिद्धिमा, भूलना होगा कि हम कभी एक थे, अब यही सच है। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो खुद हैरान था कि रिद्धिमा के अप्पा ने वेंकट मामा को फोन करके वहां आने से मना क्यों किया। तुम लोग अभी मत आओ। नहीं है क्यों? मैं कॉल करता हूँ। लेकिन सर मुझे बाला पे शक है सर। अच्छा? बाला के यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, उसका मुंबई में किसी लड़की के साथ अफेयर था, वेंकट मामा उसकी शादी जबरदस्ती रिद्धिमा से करा रहे थे। तो अपने आप को बचाने के लिए बाला को बीच में घसीट रहा है। तो टस। मैंने कंफर्म किया सर, बाला का मुंबई में किसी लड़की से अफेयर तो चल रहा है। लेकिन इस चंद्रेश पे भी भरोसा नहीं कर सकते। चंद्रेश और बाला इन दोनों की बैकग्राउंड चेक करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों ये कांड कर सकते हैं क्या। जी सर। नारायण के CRPF टाइम के दोस्तों से मिले? जी सर, पर फिलहाल वहाँ से कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नगर पालिका में भी उनके कुत्ते शेरू की फोटो शेयर की थी पर वहाँ से भी शेरू जैसे किसी कुत्ते की कोई डिटेल नहीं मिली। कहना मुश्किल है सर, शेरू के गायब होने का इस केस से कोई कनेक्शन है भी या नहीं। हाँ बोलो। गई थी साहब, लता घर पर अकेली ही थी। आप इस आके देखा तो लता, लता, लता ने आत्महत्या। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लता ने आत्महत्या ही की? ऐसा भी तो हो सकता है कि जहर लता को किसी ने जबरदस्ती पिलाया। नहीं साहब, पहले भी लता ने कोशिश की थी आत्महत्या करने की। लता, मर जाए मुझे। तब तो मैंने समझा कि उसे रोक लिया था लेकिन अब ऐसा क्या हुआ था लता के साथ जो लता आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी? मेरे बच्ची की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, कभी कभी वो अचानक जोर से चिल्लाने लग जाती थी। मैं तुझे मार डालूंगी, मर जाने दे मुझे, मर जाने दे। दवा का भी असर नहीं हुआ तो मैंने नजर वजर भी उतार के देखी लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस पर किसका भूत सवार था। क्या लगता है तुम्हें ये सब करने से वो मुझसे डरना बंद कर देगी? बोला था ना वो तुमसे नहीं डरती है, वो तो बस अपने। देखो मंजू, कुछ भी हो पर मैं नहीं चाहता कि ये बच्ची यहाँ पे रहे। माना कि हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ऐसी बच्ची को बेटी बना लें जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो। संतोष, खुशबू पागल नहीं है, वो तो बस अपने अतीत से सहमी हुई है। तुम ना दोबारा ऐसी बातें मत करना। चिल्लाना मत समझी, जो बोल रहा हो ध्यान से सुन, चले जाए यहाँ से। और मंजू ने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सर, लता नाम की जिस लड़की ने सुसाइड किया था ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लता की मौत फिनाइल की पॉइजनिंग से हुई थी लेकिन सर रिपोर्ट के मुताबिक लता को काफी लंबे समय से मोलेस्ट किया जा रहा था। मोलेस्ट? लेकिन लता की माँ ने तो कहा था कि लता की दिमागी हालत ठीक थी। हो सकता है सर लता की माँ हमसे कुछ छुपा रही है।
थाने वाला बुलाता हूं, बात करते हैं। हेलो सर, लता की माँ के घर पे तो ताला लगा हुआ है और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो यहाँ किराए पे रहती थी और पड़ोसी से पता चला है कि वो कल ही घर खाली करके चली गई है। अभी अभी लता के मकान मालिक से बात की मैंने, पर उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन हाँ सर, लता और उसकी माँ 2 महीने पहले ही वहाँ किराए पर रहने के लिए आई थी। इससे तो यही मतलब निकलता है कि लता की माँ पहले से जानती थी कि लता मोलेस्टेशन का शिकार हो रही थी। शायद हमारे सवालों से बचने के लिए वो गायब हो गई। लता की माँ बसंती के गायब होने की कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन लता और उसकी माँ के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो क्या बसंती किसी डर के कारण गायब हो गई थी, या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई और ही रहस्य था? वहीं नारायण के परिवार की हत्या के केस में सिद्धेश और उमा के बाद पुलिस चंद्रेश, बाला और यहां तक के वेंकट पर भी शक कर रही थी। लेकिन नारायण के कुत्ते शेरू के गायब होने की पहेली अब भी पहेली बनी हुई थी। और तभी एक और वारदात सामने आई। लाइट ऑन करो। सर लाइट नहीं है यहाँ। क्या मेन स्विच ऑफ था? सर इस घर में भी मेन स्विच घर के बाहर है, और नारायण के घर का मेन स्विच भी घर के बाहर था। मर्डर से पहले नारायण के घर का भी मेन स्विच ऑफ किया गया था और यहाँ का भी मेन स्विच ऑफ किया गया। सर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर्स कुछ दिन पहले हुए होंगे। वारदात का एमओ भी बिल्कुल नारायण की फैमिली के जैसा लग रहा है। इस लड़के को भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया जैसे नारायण को, और इस लड़की का भी रेप किया गया। और नारायण के घर में भी लूट की गई थी, इस घर में भी लूट की गई। कहीं ये किसी लूट करने वाले गैंग का काम तो नहीं है? गौतम आसपास के थानों में पता करो कि इस तरह के केसेस कहीं और भी रजिस्टर हुए हैं क्या, और पड़ोसियों को बुला। सब और संदीप है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और अभी नया नया इधर रहने को आया था। 6 महीना पहला उन लोगों का शादी हुआ है। इन दोनों के अलावा और कोई भी रहता था यहाँ पर? नहीं, हाँ एक मेड उनके यहाँ काम करने को आती। क्या नाम है मेड का? नाम का तो मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन 4-5 दिन पहले उसको मैं यहाँ पे काम करते देखा। 4-5 दिन पहले स्केच बनवा सकते हो मेड का? बनवा सकता है, कोशिश करेगा। कोचिंग आप मुझे मेरे माँ जैसा ही प्यार करती हैं, लेकिन लेकिन क्या? माँ जैसा क्यों? माँ ही हूँ मैं तेरी। पर वो कौन? संतोष? तो उनकी फिक्र मत कर। और ये वो क्या कहती रहती है? पापा बोला कर, पापा हैं वो तेरे, देखना फिर वो भी तुझे बिल्कुल मेरे जैसा प्यार करेगी। क्या हुआ बेटा? लाइट ही तो गई है, इतना क्यों डर रही है? रुक पे देखती हूँ। माँ, माँ, मत जाओ, माँ, माँ, मत जाओ, दरवाजा मत खोलो। नहीं। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कब से मार हो रहा सर? यही वो औरत है जो उस कबल के यहाँ काम करती थी। कबल के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी मेड का नंबर नहीं मिला था। इस स्केच को डेटाबेस से ही मैच किया सर, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि ये है कौन। ये भी तो हो सकता है इस औरत ने अभी अभी क्राइम करना शुरू किया हो, शफरी अटैकर्स के साथ इन्वॉल्व भी हो सकती है। तो तुम एक काम करो, चेक करो इस औरत का नारायण फैमिली के साथ कोई कनेक्शन निकलता है क्या। को तो मैं जानता सर,
सर ये जब अंकल ने उमा को घर से निकाला तो इधर काम मांगने को आई थी। ए शुरू घड़ी घड़ी भौंकता है तुम। ए क्या है साहब, हमें पता चला यहाँ काम वाले की जरूरत है तो काम ढूंढ। इधर कोई काम वाम नहीं है, चलो। वो दिन मैंने इसको पहली और आखिरी बार देखा, उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। हेलो क्या सब, मैं मंजू से मिलने आई थी, अंदर देखा तो मंजू उसका पति था। पूरी कबर्ड खाली कर दी। नीचे दोनों बॉडीज को देखकर लग रहा था कि जिस उन्हें मारने से पहले काफी टॉर्चर किया गया है, और यहां पर भी पावर ऑफ है। हां साहब, मैंने पहले भी इसको एक दो बार यहाँ आसपास मंडराते हुए देखा है। एक बार तो ये वहां संतोष जी से बात भी कर रही थी। मंजू और संतोष के अलावा और कोई भी है परिवार में? सब, इनकी एक बेटी भी है। बेटी? सब यही है खुशबू, जिसे मंजू ने गोद लिया था। कहां से गोद लिया था उन्होंने खुशबू को? सब वो तो नहीं मालूम। सर अभी तक जितने भी केसेस सामने आए उनमें अटैकर्स ने फैमिली के किसी मेंबर को नहीं छोड़ा है, लेकिन इस कपल की बेटी गायब है क्योंकि अडॉप्टेड थी। और यहाँ किसी को मालूम तक नहीं है कि इस कपल ने बच्चे को अडॉप्ट कहाँ से किया था। गौतम, बच्चे के फोटो सर्कुलेट कर, बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। उस यंग कपल के यहाँ जो मेड काम करती थी सर, उस मेड का स्केच मैंने हर जगह दिखवाया, तो बस तुक्के के तौर पर जिस लड़की ने सुसाइड की थी लता, उसके पड़ोसियों को भी ये स्केच दिखाया, तुक्का लग गया सर। उन लोगों ने बताया कि इस लड़की को लता के घर के पास भी देखा गया। ये खुशबू तो तेरी लता से भी दो कदम आगे निकली। सुना है येड़ू अम्मा के हाथ से निकल गई थी, वो तो अच्छा वहां मिल गई, वरना हमारा तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। तभी तो इसका हाल लता से भी ज्यादा बुरा हो रहा है। सर अलग अलग एरिया से दो केसेस और मिले हैं जहाँ भी कुछ सेम पैटर्न से क्राइम हुआ था। उन दो घरों में अलग अलग दो बच्चियाँ मेड का काम कर रही थी जो वारदात के बाद से ही गायब हैं। बच्चे? जी हाँ सर, ये हैं वो दो बच्चियाँ। और सर इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम से हिंट मिला है कि ये काम बांडूपलिया गैंग का हो सकता है। बांडूपलिया गैंग? जी हाँ सर। और सर बांडूपलिया गैंग का एमओ भी हमारे केसेस से मिलता जुलता है। ये लोग भी रेकी के लिए अपनी बच्चियों और औरतों का इस्तेमाल करते हैं, टारगेट के दिन घर की बिजली काट देते हैं, फिर मेल विक्टिम्स की गला काटकर हत्या कर देते हैं, फिर घर में लूटपाट, और फिर फीमेल विक्टिम्स का ब्रूटल रेप, और उसके बाद उनकी भी हत्या। लेकिन ये बांडूपलिया गैंग तो 10 साल पहले खत्म हो गया था। उसका सरगना कुट्टी जेल में? जी हाँ सर, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली कि कुट्टी की बीवी यदुरम्मा ने इस गैंग को फिर से खड़ा कर दिया, और अब ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है इस बात का पता नहीं चल रहा। हाँ बोलो साहब। ये बच्ची तो मंजू मैडम को यहीं पे मिली थी, कुछ लोगों के साथ बैठकर भीख मांग रही थी। साहब मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मैंने ये सुना कि मंजू मैडम ने आदिवासी लड़की को गोद लिया है। आदिवासी की बच्ची? हाँ साहब, कलसान जंगल के पास आदिवासी जुग्गियों में मैंने इसे पहले भी देखा है। अपना कौन अपना होता है, ये तो कभी हमारी थी नहीं, हमारी गलती है जो इसको अगवा करके ले गया। ये लो,
काटेगा उसको पेट भर के गोश्त मिलेगा। एक दूसरे का चेहरा क्या देख रहे हो? जल्दी करो। वन रेंडा मोना चलो कला चलो। पांडुपाल्या गैंग एक ऐसा खतरनाक गिरोह था जो 10 साल पहले तक दक्षिण भारत में 300 से ज्यादा हत्याएं, बलात्कार और करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दे चुका था। लेकिन केरला, कर्नाटका और आंध्रा की पुलिस के जॉइंट मिशन में इस गिरोह के ज्यादातर मर्द पकड़े जा चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस गिरोह की औरतों ने इस गिरोह को फिर से तैयार कर लिया था। गिरोह की महिलाएं और बच्चियां अलग अलग तरीके से अपने टारगेट पर नजर रखती और फिर अपराध को अंजाम दे दिया जाता। नारायण के परिवार को भी इसी गिरोह ने टारगेट किया था। इस गैंग में हर किसी का एक अहम किरदार था। बसंती लूट का सोना बेचा करती थी और उस पर किसी को शक ना हो इसलिए वो अलग रहती थी। लेकिन उसकी बेटी लता इस गिरोह का रक्तपात देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वहीं खुशबू इस गिरोह का हिस्सा ही नहीं थी बल्कि 2 साल पहले उसका परिवार इस गिरोह का शिकार बना था और खुशबू को अगवा करके जबरदस्ती इस गिरोह के अपराधों का भागीदार बनाया जा रहा था। 2 साल पहले खुशबू की मां का इस गिरोह के द्वारा रेप और उसकी हत्या कर दी गई थी। अपनी मां को खोने के बाद उसने मंजू को भी खो दिया था जो सही मायनों में उसे अपनी बेटी मान बैठी थी। खुशबू अब अनाथ है लेकिन उसकी देखभाल और उसके इलाज की जिम्मेदारी एक एनजीओ ने उठाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।